हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 16 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वह है ईपीसीए यानी कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है वो हम देखते हैं, इसके बाद हम जानेंगे इसके फीचर्स। देखो कंटेक्स्ट ये है कि आपको पता है जो ही दिल्ली के अंदर विंटर्स स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पे एक तरीके से स्मोक है या पोल्यूशन का लेवल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? इसके पीछे अहम रीज़न ये है कि दिल्ली का जो एरिया है इसके आसपास के जो एरियाज हैं, आसपास के जो स्टेट हैं जिसमें आता है आपका हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ और यूपी हुआ, इनमें एक्चुअली क्या है कि किसान अपनी फसलों का जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसको जलाते हैं, जिसे फसल रेसिड्यू या पराली के नाम से जानते हैं, और उसकी वजह से धुआं बन जाता है और वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए एक बड़ा सरदर्द बन जाता है और कहीं ना कहीं दिल्ली का एनवायरनमेंट आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है वो हो जाता है। तो अभी रिसेंटली दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है, तो इसीलिए एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो कि मेनली दिल्ली के लिए काम करती है, दिल्ली एनसीआर के एरिया के लिए, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन का जो एरिया है उसके लिए बेसिकली काम करती है। स्पेशली इसका मेन फोकस होता है कि एनवायरनमेंट संबंधित जो भी इश्यूज हैं उनसे निपटा जा सके, और अभी ये दिल्ली में इमरजेंसी प्लान लाने के लिए तैयारी है वो कर रही है क्योंकि दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है वो पूर्ण लेवल पर पहुँच गया है। अब दिल्ली में देखो जो पोल्यूशन लेवल है इसको GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, इसके तहत 5 भागों में 6 भागों में डिवाइड किया गया मेन मोटा मोटा अलग अलग तौर पे, तो थोड़ा एक बार हम वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर दिल्ली में इन्वायरमेंट है उसके अंदर अगर PM 2.5 और 10 का जो लेवल है वो 0 से 50 के बीच में है तो नॉट बिग इशू, मतलब नॉर्मल, ठीक है, अच्छी बात है। अगर 51 से 100 के बीच में है तो सेटिस्फाई नॉर्मल है। अगर इसके बाद में 101 से 200 के बीच में तो मतलब मॉडरेट है, और वहीं 201 से 300 के बीच में तो पुअर की कंडीशन में। तो अभी रिसेंटली दिल्ली में पुअर की कंडीशन पे पोल्यूशन लेवल है वो पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए एनवायरनमेंट जो मिनिस्ट्री है उसी के तहत जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी बनाई गई है बेसिकली 1986 के एक्ट के तहत, उसको अभी एक्शन फॉर्म में या मोड फॉर्म में लाने की बात है वो की जा रही है। देखो वैसे तो जो EPCA है एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद बनाई गई थी क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या बढ़ रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया था और उसके बाद बेसिकली गवर्नमेंट है उसने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसके तहत एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को 1988 में बेसिकली बनाया था। तो ये तो कुछ देख लिया हमने फैक्ट वगैरह। अब अहम बात देखो ये आती है कि अगर दिल्ली में एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है, कोई भी विवाद होता है, तो उससे निपटने के लिए या उसके लिए एक तरीके से आप उससे तो अलग से ट्रिब्यूनल कोर्ट बना हुआ है जिसका नाम है EPCA, क्योंकि EPCA है वो एक अपेक्स कोर्ट का काम भी करती है एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई भी इश्यूज होता है दिल्ली में उसके लिए। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हमने यहाँ पे जानी। पहली चीज़ हमें यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी है वो बेसिकली दिल्ली NCR के एरिया के लिए ही है, मतलब ओनली दिल्ली NCR एरिया के क्षेत्र में ही काम बेसिकली करती है। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि दिल्ली NCR के एरिया में इन्वायरमेंट है उसको बनाए हुए रखना, मतलब इन्वायरमेंट ज़्यादा खराब ना हो। तो अभी रिसेंटली इसने GRAP प्लान एक्टिव फॉर्म में लाया है। तो GRAP प्लान क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसमें देखो अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, जैसे कि पुअर कंडीशन में है तो हमें कौन कौन से स्टेप उठाने हैं, कौन कौन से ईट भट्ठे वगैरह बंद करने हैं, पावर प्लांट वगैरह बंद करना है, ODU लाना है, क्या करना है वो। इसके बाद वेरी पुअर कंडीशन में है तो हमें और क्या स्टेप उठाने हैं, इमरजेंसी अलर्ट करनी है, स्कूलों की छुट्टी वगैरह करनी है, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट उसको कम्प्लीटली बंद वगैरह करना है, तो ऐसे अलग अलग स्टेप इसमें उठाए जाते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है कि GRAP प्लान है उसको बेसिकली एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट है वो किया जाता है, और ये सब बेसिकली एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ही आते हैं, और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पास हुआ था उसके बाद ही एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को बनाया गया था। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है जो हमने अभी यहाँ पे जाने। चलो आप ये बताइए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कौन कौन से गैसें हैं वो आती हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसके बारे में आपको बताना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें कौन कौन सी गैसें हैं वो आती हैं। इसके साथ ही आप ये क्वेश्चन और है दूसरा वो है कि सफ़र के बारे में, सफ़र एक एप्लीकेशन बनाया था गवर्नमेंट ने वो किस लिए है, सफ़र ऐप है उसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, और नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो बेसिकली एक प्रोजेक्ट के बारे में है जिसका नाम है 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। देखो जो 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एशिया के सिंगापुर सिटी में या सिंगापुर देश की सिटी के अंदर ही बेसिकली इसको स्टार्ट है वो किया जा रहा है। तो पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट है वो सिंगापुर में एक तरीके से मतलब वहाँ पे काम है वो कर रहा है।
अब होगा क्या इस प्रोजेक्ट में वो हम देखते हैं। देखो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली 1,00,000 लोगों के जो जीनोम्स हैं, जीन्स वगैरह हैं, उनको इकट्ठा किया जाएगा, उन पर स्टडी की जाएगी, उन पर रिसर्च है वो की जाएगी। और ये जो 1,00,000 लोग होंगे ये एशिया की एरियाज की होंगी, मतलब एशिया के लोग होंगे, और इसमें से 50,000 जो लोग हैं वो तो अकेले इंडिया के ही होने वाले हैं। और ये जो 100 के जीनोम एशिया प्रोजेक्ट है इसमें इंडिया के साइंटिस्ट हैं, इंडिया की भी कुछ कंपनीज इंक्लूड हैं, वो यहाँ पे क्यों है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखो बात हम करेंगे इस प्रोजेक्ट को वैसे लीड रोल पे या कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं। देखो बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट है ये एक नॉन प्रॉफिट कंसोर्टियम है जिसका नाम है जीनोम एशिया 100 के, और उसी के आधार पर इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। तो इसके द्वारा बेसिकली इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट है वो किया जा रहा है। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो इसका फायदा ये होगा कि अगर 1,00,000 लोगों का जीन्स वगैरह इकट्ठे करके उनके सीक्वेंस उन पर स्टडी की जा रही है तो उनके बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा कि भाई उनके पुराने एक तरीके से जो आप बोल सकते हो कि जो भी पुराने लिंक वगैरह थे वो कैसे थे, मतलब कहाँ से इनका ओरिजिन वगैरह हुआ, क्या क्या इनमें सिमिलरिटीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, और इवन जो हमारे ऑल ओवर एशिया के अंदर जो भी एथनिक ग्रुप्स हैं उनका सैंपल लिए जाएंगे इसमें, मतलब हर एथनिक ग्रुप को इसमें शामिल किया गया ताकि उन पर स्टडी करके पता चल सके कि भाई जो उनके पूर्वज थे उनमें क्या क्या समानताएं थी और कौन कौन से डिजीज वगैरह इनको होती थी, कैसे कैसे उनसे निपटना है, वो सब एक तरीके से स्टडी तैयार की जा सकती है। इसीलिए सभी एथनिक ग्रुप की यहाँ पे स्टडी को फोकस करते हुए ये प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है। बेनिफिट इसका सबसे बड़ा ये होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ और बिग डेटा एनालिसिस की हेल्प से जो भी आज के टाइम में नई डिजीज वगैरह हो रही है उन पर स्टडी की जा सकती है। इसके साथ ही जैसे डायबिटीज हुआ, कैंसर हुआ, कुछ ऐसी जो बीमारियां हैं इनके ऊपर भी रिसर्च करने से पता चलेगा कि भाई कौन कौन से लोगों को ऐसी बीमारियां हो रही हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो ये इस प्रोजेक्ट के जो बेसिक फैक्ट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है वो है आइंस्टीन प्राइज को लेकर। देखो जो आइंस्टीन प्राइज है, पहली बात तो यह है कि इंडियन अमेरिकन एक प्रोफेसर है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बता रहा हूँ, मतलब इंडियन ओरिजिन के एक प्रोफेसर हैं यूएसए के अंदर जिनका नाम है अभय अस्तगर। इनको बेसिकली जो आइंस्टीन प्राइज है वो अभी दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें जनरल रिलेटिविटी इसके साथ ब्लैक होल और जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन फोर्स वगैरह हो गए, इसके साथ ही जो क्वांटम कॉस्मोलॉजी है इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छी स्टडी है वो की है। तो इनमें आप ये बोल सकते हो कि ब्लैक होल हुआ, ग्रेविटी हुआ और क्वांटम कॉस्मोलॉजी हुई और जनरल रिलेटिविटी, इनमें इनका अद्वितीय योगदान है, इसके लिए इनको आइंस्टीन प्राइज से नवाजा जा रहा है। अब हम थोड़ा आइंस्टीन प्राइज के बारे में देखते हैं। देखो जो आइंस्टीन प्राइज है ये बेसिकली अमेरिका का हाईएस्ट फिजिक्स के लिए अवार्ड है, मतलब अमेरिका में फिजिक्स के पर्सन हैं उनको जो भी अवार्ड दिए जाते हैं उनमें सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो है आइंस्टीन प्राइज। तो एक तो ये फैक्ट हमें पता चल गया कि आइंस्टीन प्राइज है वो अमेरिकन फिजिक्स जो सोसाइटी है, फिजिकल सोसाइटी है, उसके द्वारा बेसिकली इस अवार्ड को दिया जाता है। और इस बार जो अवार्ड है वो भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं अभय अस्थागन, उनको बेसिकली अवार्ड दिया जा रहा है। इस अवार्ड में जो प्राइस दी जाती है वो जाती है $10,000 की, मतलब $10,000 की प्राइस है वो दी जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी का हाइएस्ट ऑनर अवार्ड है ये बेसिकली, तो यह भी हमें ध्यान में रखना है। अगला जो आर्टिकल है वह है बेपी कोलंबो के बारे में। तो देख लेते हैं क्या है बेपी कोलंबो। देखो बेपी कोलंबो है ये बेसिकली एक जॉइंट मिशन है, किस किस का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए और जाक्सा, जाक्सा का मतलब है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इन दोनों ही स्पेस एजेंसी का बेसिकली जॉइंट मिशन है। बट इसमें जो मेन रोल है, जो मेन भूमिका है वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। ये जो मिशन है बेसिकली ये मरकरी की स्टडी के लिए लॉन्च है वो किया गया था बेपी कोलंबो। अभी देखो अहम बात यह है कि इसमें दो स्पेसक्राफ्ट हैं, वो नाम हमें ध्यान में रखना है। एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है मर्करी प्लेनेटरी ऑर्बिटर। मर्करी प्लेनेटरी ऑर्बिटर का मतलब यह है कि मर्करी की जो ऑर्बिट है, मर्करी की जो कक्षा है जिसमें घूम रहा है, उसकी में बेसिकली घूमेगा और उसकी स्टडी करेगा। इसका फायदा क्या होगा, एक तो जो मर्करी ग्रह है इसकी सरफेस के बारे में स्टडी की जा सकती है, इसके साथ ही उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, कितना कैसा उसका कंपोजिशन है उसके बारे में पता है वो चलेगा। तो ये तो है मर्करी प्लेनेटरी ऑर्बिटर का, जिससे जो स्पेसक्राफ्ट है उसका काम। दूसरा स्पेसक्राफ्ट है उसका नाम है मर्करी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर MMO। इसका काम ये है कि देखो मर्करी का जो चुंबकीय गुण बोल सकते हो कि आप एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटोस्फेयर है, उसकी स्टडी करने के लिए, मतलब मर्करी का जो चुंबक जो प्रभाव है उसका जो इफेक्ट है उसकी स्टडी करने के लिए मर्करी मैग्नेटोस्फेयर ऑर्बिटर है उसको लॉन्च किया गया है। तो दोनों ही स्पेसक्राफ्ट का ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि बेपी कोलंबो है
वो बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, इन दोनों का ज्वाइंट मिशन है वो है। तो ये कुछ फैक्ट्स वगैरह हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब आज का जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है माउंट एटना को लेकर। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और आपको फिर ये भी बताना है कि भाई ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है, इसका सही ऑप्शन ये रहेगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने माउंट एटना का स्टेटमेंट है, वो ये है कि माउंट एटना है वो अफ्रीका का वोल्केनो माउंटेन है। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि माउंट एटना अफ्रीका का वोल्केनो माउंटेन है, मतलब ज्वालामुखी पहाड़ है। दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने ये है कि माउंट एटना की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम किलिमंजारो है। किलिमंजारो माउंट एटना की हाईएस्ट पीक है। आपको बताना है कि दोनों कौन स्टेटमेंट से कौन सा सही है कौन सा गलत है, और अगर गलत है तो कई गलत क्यों है उसके बारे में आपको क्लेरिफिकेशन भी देना है। तो ये थी बेसिकली हमारी डिस्कशन। अब एक बार हम जल्दी से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हमने इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी यानी कि ईपीसीए के बारे में जाना, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद बेसिकली 1988 में बनाई गई थी ताकि दिल्ली एनसीआर के में पोल्यूशन से निपटा जा सके। तो इसके बारे में हमने जाना कि इसके द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लॉन्च किए जाते हैं दिल्ली में ताकि पोल्यूशन के लिए जो लेवल्स हैं उनसे निपटा जा सके, ओडीओन फॉर्मूला वगैरह सब। इसके बाद में हमने यहाँ पे जाना 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट, जो कि सिंगापुर में प्रोजेक्ट है वो एक्टिव फॉर्म में काम कर रहा है। इसका मेन मोटो ये है कि जीनोम है 100,000 लोगों के जीन है उनकी सिक्वेंस करके उनकी स्टडी की जा सके ताकि उनके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पता कर सकें। इसके साथ ही हमने आइंस्टीन प्राइज के बारे में जाना, जो कि अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी का हाईएस्ट अवार्ड है। वो अभी भारतीय मूल के एक प्रोफेसर हैं अभय हस्तकर, उनको दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जनरल रिलेटिविटी, ब्लैक होल, ग्रेविटी और क्वांटम कॉस्मोलॉजी के लिए बहुत अच्छी रिसर्च या स्टडी उन्होंने की थी। इसके साथ ही हमने बेपी कोलंबो मिशन के बारे में जाना, जो कि बेसिकली एक जॉइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस जाक्सा का। इसका मेन फोकस है वो है मरकरी की स्टडी के लिए। इसमें दो सैटेलाइट या फिर दो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए गए हैं जिनका नाम है मरकरी प्लेनेटरी ऑर्बिटर, जो कि मरकरी की इनर सरफेस और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता करेगा। दूसरा था मरकरी मैग्नेटोस्फेयर ऑर्बिटर, जो कि मरकरी का जो मैग्नेटोस्फेयर है उसकी स्टडी करेगा। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।